प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा विधानसभा में बजट पेश होने से पहले नेताओं की बजट से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, इस बारे में नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, बहुत बेहतरीन बजट आएगा, क्योंकि बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत की है। सारे विधायकों की राय जानी है, सारे मंत्रियों की राय जानी है, सारे अफसरों की राय जानी है और व्यापारियों की राय जानी है, सभी वर्गों की राय को जाना है और उन सबको सम्मिलित करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा बजट हरियाणा में आज से पहले कभी नहीं आया होगा। देखिए, अब बजट से पहले कुछ कह नहीं सकते हैं, अब रह गए 2 घंटे, अभी आ जाएगा बजट। सर, आप लोग कह रहे हैं कि विधायकों से पूछा, सभी वर्गों से पूछा, विपक्ष कह रहा है कि देखिए जब पहले ही बजट अलॉट हो चुका था, पहले ही बजट जो है वो सारी तैयारी करने नहीं, वो तो विपक्ष को बेकार की बातें करने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं था, बजट सारे के बाद ही बनाया गया। मेरा तो ये मानना है कि जो आज बजट हरियाणा का आएगा वो हरियाणा के प्रत्येक वर्ग को, खासतौर पर किसान को, युवाओं को एक नई आशा देने का काम करेगा। और जो कई चीज़ें पिछले लंबे समय से पेंडिंग थी, उनके अंदर भी बड़े आपको फेरबदल देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं अमाउंट बढ़ने की आशा है। देखिए, जब राजस्व बढ़ा है, जब रिसीप्ट ज़्यादा है, तो जरूर बजट भी बढ़ेगा। आपके विभागों में क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट का हो, चाहे वो PWD का हो, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन विपक्ष सच्चाई लेकिन जो है वो हम सबके सामने है। आज हरियाणा के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वित्तीय संकट जो है वो मंडरा रहा है। हम 1,70,000 से भी ज़्यादा करोड़ के से ज़्यादा जो है कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, और बजट के अंदर कितना ही बजट बेशक बढ़ाया जाए, सच्चाई ये है कि पिछली बार भी 20,000 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारा जो है लॉस था। अब जितना ज़्यादा ये सरकार जो है बढ़ाएगी, उतना ही ज़्यादा लॉस जो है इनकर होने वाला है। साथ की साथ मैं ये नहीं समझ सकती कि ये आगे ये करेंगे क्या, क्योंकि ये वो हाल हो गया जैसे घी डाल के और वो मतलब पानी डाल के और घी पिए जाओ। इलेक्शन की बात अलग होती है। पहली बात तो ये है कि ये ऐसे पूछ के जो ये काम किया जाता है, ये बजट तो पहले ही तैयार हो जाता है। सारे के सारे जो हैं अपने अपने जो विभाग हैं वो सारा कुछ अपना भेजते हैं, और वित्तीय संकट किस तरह से उससे क्या जूझना है वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होता है। ये बात अच्छी है कि चलो विधायकों को बुला के पूछा गया, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, सच्चाई तो ये। दूसरी बात ये है, जो आज के दिन कर्जा ले लेके सरकार जो काम कर रही है और इतना ज़बरदस्त जो है घाटा जो आ रहा है, मैं नहीं समझ सकती कि क्या ये आगे काम करेंगे, क्योंकि इनके जो घोषणा पत्र है उसके अंदर 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता जो है इन्होंने प्रॉमिस करा है कि सरकार बनते ही दिया जाएगा। जजपा आज इनके गठबंधन सरकार के अंदर है। इसी तरह से 5100 जो है बुढ़ापा पेंशन होगी। आज जो आप देख रहे हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, आज ही अखबार में मैं पढ़ रही थी कि एजुकेशन जो है हरियाणा के अंदर जो 4th स्थान पे था, अब वो 10th स्थान के ऊपर जो है खिसक के आ गया है। तो ये सारे चीज़ों के लिए बजट एलोकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, और इससे ये किस तरह से जूझेंगे वो अब भगवान जाने, क्योंकि सच्चाई ये है कि इतना ज़बरदस्त वित्तीय संकट जिस सरकार के ऊपर हो, आगे काम तो होने।